Welcome to Flood Art Workshop by Siddhi Munot. So today I will teach you all the tips and tricks to perform flood art on your own. So basically three types of flood art: acrylic pouring, resin art and alcoholing. So आज हम acrylic pouring के बारे में जानते हैं. Acrylic pouring को market में flood art के नाम से जानते हैं. So what is exactly acrylic pouring? Acrylic pouring is acrylic paints mixed with the pouring medium and apply onto the surface in a different techniques. So acrylic pouring से आपको matte finish मिलेगा ऐसे, और आप इससे wall hanging बना सकते हो, wall paintings बना सकते हो. So best thing about the flood art is you don't have to be a talented artist or a great drawing skill. You just need acrylic pouring materials and techniques. That's it. So, आपको acrylic pouring के लिए MDF surface और wooden surface और canvas आप कोई भी use कर सकते हो. आपको जो पसंद है वो use कर सकते हो, कोई problem नहीं है. Then, okay. So acrylic pouring में acrylic color is the main. I would suggest Fevicryl is the best acrylic colors for flood art. ये already liquid form में है और इससे acrylic pouring एकदम best इससे होती है. Okay? इसमें बहुत different shades हैं और different sizes भी हैं. इससे बड़ी size है, ये एक size है, ये छोटी size है और इससे भी छोटी size है. Okay? Starters के लिए मैं suggest करूँगी ये size 100 ml. और अब pouring medium. मैं ये pouring medium use करती हूँ. आप कोई भी pouring medium use कर सकते हो, but must use a pouring medium. Liquid colors भी रहे तो सिर्फ liquid colors use नहीं करने guys. सिर्फ आप colors use करोगे तो paintings में cracks आ सकते हैं. तो आपको cracks avoid करने के लिए आपको pouring medium use करना जरूरी है. Okay? So, techniques के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको? Techniques आप जैसा perform करोगे वो techniques बन जाएंगे. जैसे अब मैं इसमें pouring medium add किए हुए colors, इसमें 3 to 4 colors add करूँगी और अब बस ऐसे डाल दूँगी. तो हो गया dirty pour. Okay? So second one is मैं फिर से colors flip इसमें कप में भरूंगी और बस ऐसे करके फ्लिप कप टेक्निक. मैं कलर्स इसमें फिल करके जस्ट स्वर्ल करूंगी. स्वर्ल टेक्निक इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ रिंग पोरिंग टेक्निक. ओके, आप यहाँ पे सिंक स्टेनर रखे भी आप उसमें कलर पोर करोगे तो बन जाएगी सिंक स्टेनर टेक्निक. इसमें टेक्निक ऐसे आप जो परफॉर्म करोगे वो टेक्निक बन जाएगी. अगर आपको ट्यूब कलर्स यूज करने हैं, सपोज आपके पास एक्रेलिक फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स नहीं है, आपके पास ट्यूब एक्रेलिक कलर्स है, तो आपको बस पोरिंग मीडियम का यूज उसमें ज्यादा करना है. लाइक थोड़ा सा ट्यूब कलर एंड थोड़ा ज्यादा पोरिंग मीडियम. आपको अगर आप फेविक्रिल एक्रेलिक कलर यूज कर रहे हो तो आपको उसमें पोरिंग मीडियम ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, सो गाइस आपको ये सरफेस एकदम प्लेन रहना चाहिए. आपका सरफेस जो आप पोर जहां पे आप पोर करने वाले हो वो सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए. सेकंड वन इज मस्ट यूज फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स, देन मस्ट यूज पोरिंग मीडियम. सिर्फ कलर्स यूज मत करो गाइस, उसमें पोरिंग मीडियम थोड़ा तो भी ऐड करो, नहीं तो क्रैक्स आ जाएंगे सिर्फ कलर्स यूज करोगे तो. मेरे नेक्स्ट वीडियो में 2 to 3 टेक्निक्स प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. सो गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.